हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो है आपकी राजस्थान पुलिस से रिलेटेड, जिसमें आप जो है अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो कहां पर होने वाला है। तो इसी बात को लेकर ये आज का हमारा वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसे अपना एग्जाम सेंटर को देख पाएंगे। तो फ्रेंड, जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे, हम इस समय है SSO राजस्थान सिंगल साइन ऑन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपका है रजिस्ट्रेशन आईडी का, और ये है आपके पासवर्ड का, और ये है आपका कैप्चा कोड। तो आपकी जो SSO आईडी है वो आपको यहाँ फिल करनी है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन आपको कर लेना है। यदि आप अपने जो SSO आईडी भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट करके दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके दोबारा से पासवर्ड जो है जनरेट करा सकते हैं। तो इसके बाद जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन, बहुत सारे आपके सामने आइकन खुल जाएंगे जो कि आपके एप्लीकेशन आइकन है। तो यहाँ पर जहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया था रिक्रूटमेंट स्टैक 2, तो फिर से ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट पोर्टल भी है आपका और एक है रिक्रूटमेंट स्टैक 2। तो आपको रिक्रूटमेंट स्टैक 2 पर ही क्लिक करना है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे माई एप्लीकेशन पे, जो कि आपका पर्सनल डैशबोर्ड है। तो यहां पर आपका फोटो और साइन यहां पर आपकी शो हो रही होगी। तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू मोर का। देखिए फ्रेंड, यहां पर व्यू मोर का ऑप्शन है, व्यू मोर पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद जो है आपको यहां ऑप्शन दिखता है सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का। तो फ्रेंड, यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए, व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन भी है, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का है, गेट रिजल्ट का है, एडिट एप्लीकेशन का है, और गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन यहां पर आपका रखा गया है। तो आप व्यू एप्लीकेशन से अपनी एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं, और सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहां पर है। अभी आप जैसा देख रहे होंगे ये डिसेबल किया हुआ है, अभी इसको इनेबल नहीं किया है। तो उम्मीद है आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह तक ये है आपका इनेबल हो जाएगा। तो ये मैंने वो प्रोसेस बताई आपको कि ये जो आपका एग्जाम सेंटर है वो आप कैसे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर आके बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्लिक करना है और आप अपना जो एग्जाम सेंटर है वो देख पाएंगे। वही सेम प्रोसेस आपके एडमिट कार्ड की रहेगी। तो देखिए, अभी यहां पर लिखा रहा है एडमिट कार्ड नॉट अवेलेबल। तो ये आपका 9 या 10 तारीख के समथिंग जो है आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो आप सीधे यहां से उसको एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।